आता वळूया सायंकाळच्या बातमीकडे, एक नजर टाकूया क्राइम जगतावरील बातमीवर। मला किराणा माल पाहिजे अशी अज्ञात ग्राहकाने किराणा दुकानदाराची फसवणूक केली। ही घटना सक्करसाथ चौकातील किराणा दुकानात घडली। दुकान मालकाने किराणा माल पाहण्यात व्यस्त झाले एवढ्यातच अज्ञात इसमाने किराणा दुकानातील काउंटर मध्ये असलेल्या 80,000 रुपये रक्कम काढून पसार झाला। या घटनेत अज्ञात इसम सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये सुद्धा कैद झाला। आता पोलीस त्या इसमाच्या शोधात लागले आहेत। मला काही किराणा माल पाहिजे, तेल तुपाचे डब्बे पाहिजे अशी एका ग्राहकाने दुकान मालकाला बतावणी केली। अशात दुकान मालक किराणा माल दाखविण्यात व्यस्त झाले। दुकानात आत असलेल्या किराणा माल आणण्यात व्यस्त झाले आणि इकडे काउंटरकडे काहीच वेळात नजर हटली आणि इकडे अज्ञात इसमाने दुकानातील काउंटरमध्ये असलेले नगद 80,000 रोकड काढून रफू चक्कर झाला। ही घटना सक्करसाथ चौकात असलेल्या किराणा व्यावसायिक किशोर गुप्ता यांच्या दुकानात दुपारी 1:30 सुमारास घडली। दुकान व्यावसायिक किशोर गुप्ता हे किराणा माल बघण्यात व्यस्त झाल्यानंतर एका युवकाने गल्ल्यातून तब्बल 80,000 रुपयाची रक्कम लंपास केली। किशोर गुप्ता यांचा मुलगा संकेत गुप्ता हा दुकानात आल्यानंतर एक युवक दुकानामध्ये असल्याची माहिती दुकान मालकांनी आमच्या सिटी न्यूज कडे स्पष्ट केली। मेरा नाम संकेत किशोर गुप्ता आहे। आपकी दुकान में कुछ चोरी का प्रकरण हुआ है, क्या प्रकार था, क्या बोले? आज दोपहर 1:30 के करीब की बात है, तो जब मैं दुकान पे आया था तो पप्पा के साथ में एक कस्टमर था जो कि थोड़ी देर रुका। उसने कहा कि मुझे कुछ माल चाहिए, तो उसके लिए उसने बोला मुझे 8 टिन घी के चाहिए 1 लीटर में। तो मैं उसके लिए घी लाने गया, तो उतनी देर में पप्पा ने कुछ कैश काउंटर में गिन के रखे थे, तो उसने कहा कि मुझे शक्कर भी चाहिए, तो वो शक्कर गिन दो बोले आप। तो पप्पा शक्कर गिनने के लिए पीछे गए, उतनी देर में वो अंदर ही था, तो उसने काउंटर से पैसे निकाले और फिर वो कहने लगा कि मैं थोड़ी देर से आता हूँ गाड़ी लेके, और फिर वो चले गए। और फिर पप्पा ने जब काउंटर चेक किए तो उसमें से 80,000 रुपये गायब थे। और कुछ सामान या सिर्फ कैश ही गया? सिर्फ कैश ही गया 80,000 रुपये। पुलिस स्टेशन में कुछ तकरार वगैरह? पुलिस कोल्हापुरी स्टेशन में तकरार दी है, पापा ने कंप्लेंट दी है। सीसीटीवी फुटेज पे हाथ लगे हैं आपके? हाँ, सीसीटीवी फुटेज बाजू के दुकान से हमने कैमरे में चेक किया है, तो वही लड़का हमें दिखा है, क्योंकि उतनी देर में कोई भी किसी का भी आना जाना नहीं हुआ था। उस लड़के का कुछ नाम वगैरह कहाँ रहता है? नहीं, उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं है फिलहाल, वो नया ही था। आपका नाम? मेरा नाम संकेत किशोर गुप्ता। जब ये घटना हुई तब कौन था दुकान में? दुकान में पापा थे, पहले मैंने भी उसका चेहरा देखा, फिर मैं उसके लिए माल लाने जब गया बाहर, तब उतनी देर में उसने कैश गायब कर दिया। क्या नाम है आपके पापा? पापा का नाम किशोर बलदेव प्रसाद गुप्ता। या घटनेनंतर दुकान मालकांनी आजूबाजूच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची पाहणी केली। या दरम्यान एक युवक दुकानामध्ये प्रवेश करताना दिसून आला। यावर दुकान मालक किशोर गुप्ता यांनी कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशन गाठून तक्रार दाखल केली। पोलिसांनी अज्ञात युवकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांच्या शोधात लागले आहेत।